दोपहर के 11:45 हो चुके हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा है। मैं सिर्फ यहाँ पे बर्ड्स को ना ये थोड़ी सी ब्रेड पड़ी हुई थी और थोड़ी सी रोटियाँ थी, तो मैं इनको ये डालने के लिए लाई हूँ और बस मैं अंदर जाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, आज और कल बहुत ज़्यादा गर्मी रहने वाली है। सब अंदर भागते हैं, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा पानी पिए। मैंने अपना लेमनेट बना के रख लिया है जो मैं पूरा दिन सिप सिप करते पीऊँगी। और पाकिस्तान में सुना है कि उन्होंने हीट वेव की वजह से ऑफ़ कर दिया हुआ है, तो अपना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मैं ना ये जो ट्रैश है इसके अंदर डाल दूँ, अंदर चलते हैं। ओहो गर्मी गर्मी, यहाँ पर भी बहुत गर्मी होती है, सही जला देने वाली गर्मी है। अब शाम को हम बाहर निकलेंगे। तो चले अब बस अंदर चलते हैं, आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये जो दोपहर का टाइम है ना, ये जिस पे धूप बहुत अरूज पे होती है, इसमें बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। अभी मैं खड़ी हूँ ना तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ना मेरे पाँव जल रहे हैं, इसलिए मैं सॉक्स पहन के रखती हूँ ताकि मेरे पाँव ना सेफ रहें। तो चले अब जल्दी से अंदर चलते हैं। एना कैसे लेटी हुई है? और एना को मज़ा आ रहा है ऐसे है ना? ओय 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 ओय, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, शाबाश शाबाश, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहा एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू ब्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। मैं जा रही हूँ एक स्टोर पे क्योंकि मुझे लेनी है कुछ चीज़ें, और फिर मैंने सोचा कि स्टोर पे तो मैं जा ही रही हूँ तो कुछ सामान मैंने डोनेट करने के लिए बनाया हुआ था तो मैं डोनेट करूँगी, लेकिन कुछ ऐसा सामान है कि जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए और वो डोनेट नहीं कर सकती क्योंकि उसकी हालत डोनेट करने वाली नहीं है, तो इसको मैं ट्रैश करके आती हूँ और ये वाला सामान हम गाड़ी में रखते हैं और फिर हम स्टोर पर चलते हैं। तो पहले मैं ज़रा फेंक के आऊँ कि ऐसे सामान को डोनेट नहीं किया जा सकता कि जो किसी के काम ही ना आए ना। तो अभी मेरे पास वही सामान है जो बिल्कुल अच्छी हालत में है। इसमें ज़्यादा ऐना के कपड़े हैं क्योंकि ये कपड़े छोटे हो गए हैं, मतलब माशाल्लाह से है ना बड़ी हो गई है, तो ये कपड़े मैंने कहा कि चलो किसी और के काम आ जाएंगे, तो काफ़ी अच्छी हालत है इनकी। और मैंने कुछ ऐना की ही चीज़ें लेनी है और कुछ घर की चीज़ें लेनी है, मतलब कि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो ऐना के ना मैंने कुछ गर्मियों वाले कपड़े लेने हैं, और जो मोटे कपड़े थे वो मैंने सारे बैग में डाल दिए, और कुछ शूज़ भी हैं इसके अंदर। ऐना के पाँव बड़े हो गए हैं तो इसको हम डालते हैं। साथ साथ ना मैं बैग बनाती जाती हूँ कि जो चीज़ें मुझे लगता है कि जल्दी डोनेट करने वाली हैं तो उनका मैं पूरा एक बैग बना के रखती हूँ, और फिर जब इस तरह बैग भर जाता है तो फिर हम इसको डोनेट कर देते हैं। तो चले चलते हैं, और मैं अकेली तो जाऊँगी नहीं, आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं, हमें जल्दी जाना है, जल्दी आना है क्योंकि फिर गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो बस चले आए चलते हैं। पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है, साथ रखें, पानी पीते जाएं, क्योंकि इससे ना फिर आप ऐसे पानी की कमी नहीं होती, डिहाइड्रेशन नहीं होती, और ये पानी बहुत ज़रूरी है। यानी कि पानी आपको इतने ज़्यादा, ये जो सख्त वाली गर्मी है ना, इससे पानी आपको बचाता है। और साथ आप लोगों ने सनस्क्रीन बिल्कुल भी नहीं भूलनी, सनस्क्रीन मस्त लगानी है। सर्दियों में तो हम थोड़ी सी लापरवाही कर लेते हैं, हालांकि सर्दियों में भी नहीं करनी चाहिए। अब गर्मियाँ हैं तो आप स्पेशली वो वाली सनस्क्रीन लें जो वाटर रेजिस्टेंट हो, क्योंकि इससे फिर पसीना जब आता है ना तो वो सनस्क्रीन आपकी ख़राब नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, उतरती नहीं है। तो वाटर रेजिस्टेंट वाली जो सनस्क्रीन है ना वही लेनी चाहिए। पहले हम लोग यहाँ पे डोनेट करेंगे और फिर यहाँ पे देखें गर्मी आ गई है तो इन्होंने जो पाकिस्तान में गोला मिलता है ना तो यहाँ पे मिलती है ये शेव्ड आइस। हवा चलनी शुरू हो गई है, तो यहाँ पे ये शेव्ड आइस इस तरह मिलती है। कार जो है वो हमने इधर पार्क कर दी है क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा है कि शेव्ड आइस लेने को, इसलिए मैंने कहा कि लेके चलते हैं। ये देखिए, और यहाँ पे पूरा इन्होंने ऐसे मेन्यू लगाया हुआ है,
और ये कप रखे हुए हैं, स्मॉल है, मीडियम लेना है, लार्ज लेना है, और ये बड़े वाला कोई टिक्की कप है। कैंडी एप्पल। श्योर। तो यहाँ पे हम कैंडी एप्पल ले रहे हैं। सही पाकिस्तान वाली फीलिंग है, अंदर बना रहे हैं। जो स्मॉल भी इनका अच्छा खासा बड़ा ही लग रहा है, हमने स्मॉल लिया। गर्मी हो और इस तरह की चीज़ देख के दिल ना करे खाने को, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले मैंने सोचा नहीं लेती, तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, अब गर्मी भी लग रही थी तो ठंडा ठंडा खाने को ना बड़ा दिल कर रहा। मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, उन्होंने नहीं खाना, तो मैंने कहा चलो फिर मैं ही ले लेती हूँ। अब कैंडी एप्पल है, कभी नाम भी नहीं सुना कैंडी एप्पल और शेव्ड आइस में, शायद कोई फ्लेवर होगा, अभी खाती हूँ फिर देखती हूँ। तो हम लोग ना स्टोर की जो पार्किंग है ना वहाँ पर जा रहे हैं, हमने कहा वहीं पर बाहर खड़े होते हैं, फिर आराम से खा के फिर अंदर चलते हैं। ये है अमेरिका का गोला, सही गोला ही है, वहाँ पे हम गोला कहते हैं, यहाँ पे शेव्ड आइस कहते हैं। और फ्लेवर बहुत ही अच्छा है, सही एप्पल वाला, इसको सिरप भी डाला है इन्होंने अंदर, लेकिन बहुत मज़ेदार लग रहा है। सारा अंदर से निकाल लिया और बाहर से भी सही वो शेप ऐसे की ऐसे ही है, हालांकि स्मॉल साइज़ है, स्मॉल में भी अच्छी खासी क्वान्टिटी है इनकी। देखें तो हमने जाना है इधर टारगेट, साथ ही 5 Below भी है, हालांकि मुझे ये भी पसंद है, लेकिन अभी मुझे टारगेट से बस कुछ सामान लेना है, तो अंदर चलते हैं। अपनी शेव्ड आइस जो है ना मैंने इसके अंदर रख दी है, तो चलिए सामान लेते हैं, रश इतना ज़्यादा नहीं है। मुझे लेना था एक मेकअप सेटिंग स्प्रे जो कि मैंने ले लिया है। ये देखें कितने प्यारे लिप बाम्स हैं, यहाँ पे ये देखें, ये सॉक्स कहाँ से आई हैं, ओरिजिन पाकिस्तान। यहाँ से जितनी शॉपिंग करनी थी कर ली है, बेसिकली है ना कि आज हमने की है समर कपड़ों की उसकी शॉपिंग। तो अभी मैं आई हूँ इधर बुक स्टोर पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने लेनी है एक बुक। वो बुक देख रहे हैं, मुझे लगी थी भूख, तो यहाँ से आके ना कैप्चर भी बना हुआ है यहाँ पे, तो इधर से मैंने एक चिप्स का पैकेट लिया है। बड़े मज़ा आ रहा है जब भूख लगी होती है ना, चिप्स का पैकेट भी ना बड़ा ही मज़ेदार है, सदा तुम क्या चीज़ खा रहे हैं। हम लोग अभी इधर आए हैं फूड लाइन, क्योंकि यहाँ से हमने एक बहुत मज़ेदार चीज़ लेनी है, यहाँ से हमने पॉप्सिकल्स लेने हैं। पहले हम ले गए थे तो वो ख़त्म हो गए थे, जो टारगेट पे ना नहीं मिले, वहाँ पे रेगुलर वाले मिल रहे थे, तो यहाँ पे इनके पास ना शुगर फ्री पड़े हुए हैं, मतलब लाइक उसमें कोई शुगर एडिड नहीं है, जस्ट वो रियल फ्रूट के पॉप्सिकल्स हैं, तो वो लेने हैं। तो जल्दी से चलते हैं, बस और कुछ भी नहीं लेना, जस्ट हमने वो अपने मज़ेदार पॉप्सिकल उठाने हैं। यहाँ पे इनके पड़े होंगे नो शुगर है, शुगर है, ये मिल गए। ये स्ट्रॉबेरी में हमने डिफरेंट फ्लेवर्स वाले, याद है हमने डिफरेंट फ्लेवर्स वाले लिए थे, हाँ ये पड़े हुए हैं। ये है येनागा, क्या आया है येनागा, सफाई करने वाला आ गया है। ये सारा येनागा ना मैंने सेट कर दिया है, क्योंकि मैं जब यहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ या मॉप करती हूँ तो ऐना मेरी चीज़ें मांगती थी, इसलिए मैंने ना इसका ये वाला पूरा जो सेट था ये मैंने खोल दिया है, और अभी खुश भी है। अब इसको यकीन नहीं आ रहा कि ये ऐना का है ना, ऐना ने हेल्प करवानी मामा के साथ। ओए 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, ओए ओए ऐना को टांगना आता है, देख लिया कहाँ से मैंने निकाला था। ओ ओ ओए ओए खुश हो गई है ना, खुश माशाल्लाह। और ऐना यहाँ पे अपनी मिट्टी में खेल रही है, ला इलाहा शाबाश शाबाश। ओ ओ कोई बात नहीं होती, खेल लो।
यहाँ पे पॉप्सिकल खा रही है, यमी यमी। मैंने भी पॉप्सिकल खाई है एना के साथ बैठ के। अरे एना को पसंद है ये, यमी यमी। बाय बाय। तो जी इस टाइम हो गए हैं शाम के 4 बज गए हैं। मैं करने लगी हूँ शाम के खाने की तैयारी, जिसमें मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार से चने वाली दाल। बहुत जल्दी से बनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि दाल जो है वो मैंने कल रात को ही भिगो के रख दी थी। तो अब बहुत बस सिंपल सा काम है, बस चीज़ें डालनी है और हिलाना है। कैसे बनाऊंगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी वाली बनाती हूँ और बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलिए ठीक है, और साथ साथ मैं अपना लेमनेड भी पी रही हूँ। ऐना जो है वो अपने अपने दादों के साथ खेल रही है। यहाँ पे दाल जो है वो बिल्कुल डन हो चुकी है, ये देखिए माशाल्लाह से। बस अब इसके ऊपर मैंने डालना है मज़ेदार सा ये धनिया। बस जूले ऐना को मज़ा आ रहा है। ये जो शाम की धूप होती है ना, ये इतनी गर्मी वाली नहीं होती। खाना मैंने बना लिया, रोटियां रह गई हैं, वो मैं थोड़ी देर तक बनाऊंगी। मैंने कहा चलो ऐना के साथ ना मैं थोड़ा सा स्विंग लेके आती हूँ, और साथ मैंने बहुत प्यारी एक शॉर्ट भी बनाई है, तो वो इस ब्लॉग के फौरन बाद ही मेरी शॉर्ट भी आ जाएगी। मज़ा आ रहा है। और ऐना ने और मामा की आज थोड़ी सी ट्विनिंग भी हो गई है, ब्राउन ब्राउन। ऐना कर रही है हाफ लीटर बनी। ओ ये हाफ लीटर बनी, हाफ 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 लीटर। यहाँ पे ऐना की दादा जो है वो फूलों को पानी दे रही हैं, क्योंकि इनको पानी देना बहुत ज़रूरी है। और इधर जो ऐना है अपना खेल रही है। ऐना भी खेल रही है। ऐना इसके अंदर पानी डाल के दूँ आपको, खेलना है आपने? ओए ओए ओए। इस टाइम हो गए हैं शाम के 6:30। धूप जो है ना वो तकरीबन जा चुकी है और मौसम भी बड़ा अच्छा हो गया है। मैं आई हूँ गार्डन से कुछ चीज़ें काटने के लिए। क्या क्या काटना है वो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ, चले आ जाए। ये जो दरवाज़ा है ना, ये भी हमने खुद ही बनाया है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लेना है अनियन, ये देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा हुआ है। और इसको जब सुबह ऑमलेट में डालते हैं ना, तो इतना फ्रेश टेस्ट आता है ना इसका, क्योंकि आपको पता है कि जो घर की जो सब्जी होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। इतना काफ़ी है, बाकी थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा ना, फिर इसको लेके जाऊंगी। और यहाँ से मैंने लेना है पुदीना, इसको रखती हूँ यहाँ पे। ये देखिए माशाल्लाह कितना हरा भरा हुआ है। तो अभी मुझे इतना ही चाहिए, बनानी है थोड़ी सी चटनी, तो वो बनाएंगे। और यहाँ पे हमने क्या क्या लगाया है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो अगला व्लॉग आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और यहीं पे करूंगी मैं अपने आज के इस व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है, जो कि पसंद आया होगा, तो आपने करना है लाइक, एक प्यार सा कमेंट करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी मैटनगढ़ में। अपने आप लोग रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।